हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक सिप उठे सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। आपको जैसे पूर्व में सूचित किया गया कि प्रत्येक रविवार के दिन आपके द्वारा दिए हुए प्रश्न का उत्तर आचार्य वाणी के माध्यम से देने का प्रयास किया जाएगा, आज के प्रश्न में यदि हम चर्चा करें तो आज का प्रश्न है, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता हूँ, क्या मैं श्री हरिदास नाम जप सकता हूँ? तो यदि हम इस विषय पर चर्चा करें, इस प्रश्न का उत्तर आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारन देव जू अपनी वाणी में बताते हैं और कहते हैं, ज्यो जल मूल दिए फल फूलनी फैले चले सब ही सुख ही ढरी श्री मुख साखी कहो नहीं राखी बिहारिनी भाकी ले राखी ही है धरी और सबे ढहकावत तो ही इहमत तू जिन जाही टिके टरी साधन सिद्ध विरुद्ध नहीं निज श्री हरिदास भजे भजिए हरी। श्री स्वामी बिहारन देव जू अपनी वाणी के माध्यम से हम सबको बताते हैं और अपना निज अनुभव लिखते हैं और कहते हैं साधकों से। वह अपने निज आश्रित जनों से अति प्रेम में भरकर और कहा जाए तो प्रेम के कारण ही अपने हृदय की बात कहते हैं। वह बताते हैं कि श्री मुख साखी कहो नहीं राखी बिहारिनी भाकी ले राखी ही है धरी कि जो मैं ये साखी कह रहा हूँ जो मैं ये साखी लिख रहा हूँ वह किशोरी जी ने स्वयं मुझसे कही है और मैं अपने हृदय की बात आप सबको बता रहा हूँ कि किशोरी जी ने कहा कि हे सखी तू सुन ज्यो जल मूल दिए फल फूले फैली चले सब ही सुख की ढरी कि जिस प्रकार किसी वृक्ष के जड़ में जल दिया जाए तो उसके जो फल फूल पत्र इत्यादि होते हैं वे सभी सुख को प्राप्त करते हैं, उन सबकी तृप्ति हो जाती है और सभी सुख के ढेर बन जाते हैं अर्थात सभी आनंद में और सभी प्रसन्न होते हैं। कब? जब हम किसी वृक्ष के मूल में अर्थात उसकी जड़ में जल देते हैं, क्योंकि जड़ से ही संपूर्ण वृक्ष को तृप्ति होती है और संपूर्ण वृक्ष का पोषण होता है। यदि हम देखें हम संपूर्ण वृक्ष को जल दें, हर पत्ते पर अलग से जल दें, फूल पे फल पर, तो उसमें अधिक श्रम लगता है परंतु वह जल उस तरह से उस वृक्ष का पोषण नहीं कर पाता जिस तरह से यदि हम जड़ में जल देते हैं तो संपूर्ण वृक्ष का पोषण होता है और उसके पत्र पुष्प आदि सभी अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, सबका पोषण होता है। तो इस स्थिति में यदि मूल में जल दिया जाता है तो उसमें कम समय या कहा जाए कम श्रम लगता है और पूर्ण रूप से उस वृक्ष का पोषण हो पाता है। तो इस प्रकार श्री किशोरी जी बताती हैं गुरुदेव जी को कि और सब ढहकावत तो ही इमत तू जान जाही टिके टरी कि और जो भी लोग हैं वह तुझे बहकाएं या टिकाएं परंतु तू मत बहक क्योंकि सभी महान संत ज्ञानी रसिक जितने भी महान संत हैं जो भी हैं उन सबके मूल स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जू महाराज हैं। जैसा गुरुदेव ने पूर्व में भी बताया कि गुरुवन को गुरु हरिदास आसुदेव को कि समस्त गुरुओं के गुरु कौन हैं जो आसुदेव देव जू के शिष्य श्री स्वामी हरिदास जू महाराज हैं। वह समस्त गुरुओं के गुरु हैं अर्थात वह सबके मूल स्वरूप हैं और ऐसा तू जानकर अपना दृढ़ व्रत हृदय में धारण कर उनके चरणों में दृढ़ विश्वास कर उनके नाम में दृढ़ निष्ठा कर और जो भी तुझे बहका रहे हैं उनके बहकावे ना आकर अपने व्रत पर अड़िग रहे, अपने व्रत से मत हट क्यों साधन सिद्ध विरुद्ध नहीं निज श्री हरिदास भजे भजिए हरि कि जो भी साधन है या जो भी सिद्धांत है या जो सिद्ध अवस्थाएं भी हैं उनमें जो भजन कर रहे हैं यदि वह श्री हरिदास नाम का जाप करते हैं उसके साथ
तो उनका कोई उसमें अविरुद्ध या कहा जाए तो उनका कोई भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि सभी भगवत स्वरूपों के स्वरूप जो मूल स्वरूप हैं वह ठाकुर श्री कृष्ण माने जाते हैं, और उनके भी मूल स्वरूपा वृषभानुनंदिनी जी मानी जाती हैं, और वृषभानुनंदिनी जी की भी जो मूल स्वरूप हैं वह सर्वोपरि श्री नित्य बिहारिणी जी हैं, और नित्य बिहारिणी जी का भी जो हृदय है या जो उनका भी मूल स्वरूप है वह श्री हरिदास जी अर्थात श्री ललिता महारानी है, जो साक्षात श्री स्वामी जी के रूप में प्रकट हुई हैं। तो इस प्रकार से सबकी मूल स्वरूपा श्री हरिदास जी हैं। यदि आप श्री हरिदास नाम का जाप किसी भी मंत्र का जाप करते हो, आप श्री हरिदास नाम का जाप बिल्कुल कर सकते हैं, और श्री हरिदास नाम की महिमा तो आचार्य चरण कहते हैं कि श्री हरिदास नाम निज अमृत सब मंत्रन को सारा। जो श्री स्वामी जी महाराज का नाम है वह तो निज अमृत के समान है, नित्य अमृत है, और निज अमृत का एक भाव ये भी है कि वह रसिकों की निजी अमृत अर्थात अपना खुद का अमृत और खुद का रस है। तो इस प्रकार से हम श्री स्वामी जी को अपना मानकर उस नाम में अपनत्व मानकर उनके नाम का जाप कर सकते हैं। और संतों ने भी कहा कि संतन निर्णय कियो मति सुति पुराण इतिहास भजबे को दो ही सुगर कह हरिदास, कि यदि कोई भजबे योग्य है तो या तो है हरि या हरिदास है, परंतु देखें हरि को यदि सहज प्राप्त करना हो तो हरिदास नाम का भजन किया जाए तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सहज ही प्राप्त होते हैं। जैसे बिहारी बिहारिन के हृदय का रस साक्षात स्वामी जी महाराज हैं, एक मूल स्थूल अर्थात श्री स्वामी जी महाराज मूल हैं, और उसके जो दो स्कंद दो तने हैं वह श्री बिहारी बिहारिणी जी हैं, और उन्हीं से संपूर्ण स्वरूप प्रकट सब उन्हीं के अंश मात्र हैं, और सबके अंशी साक्षात श्री बिहारी जी महाराज श्री बिहारिणी जी, और उनके भी मूल जो हैं वह श्री स्वामी जी महाराज हैं। इस प्रकार हम श्री स्वामी जी महाराज को मूल अति मूल जानकर सबका मूल जानकर उनके नाम का जाप करें, और उसमें हमें कोई अपराध या कहा जाए तो कोई भी अविरुद्ध हमारे बीच में नहीं है। आप निर्भय होकर श्री स्वामी जी का नाम का जाप कर सकते हैं। आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो आप श्री हरिदास नाम जप सकते हैं, और यदि किसी मंत्र का जाप ना कर रहे हो तो दृढ़ अनन्य भाव होकर सिर्फ श्री हरिदास नाम या श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम का जाप कर सकते हैं। इसी के साथ श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दृढ़ अनन्य भाव रखते हुए और समस्त संचय अपने मन से दूर करते हुए नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।